अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन पर एक बुजुर्ग व्यापारी से रेलवे के पार्सल विभाग के कर्मचारी द्वारा मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो होली की शाम का है। पीड़ित का कहना है कि वो अपने सब्जी के पार्सल की डिलीवरी लेने गया था, लेकिन शराब के नशे में धुत बुकिंग क्लर्क व उसके साथी कर्मचारियों ने रिश्वत ना देने पर उसके साथ मारपीट। अशोक कुमार जी, मैं 25-30 साल से सब्जी का काम करता हूं, सब्जी बुक कराता हूं जी। मैं जब 4:30 बजे के करीब सब्जी लेने आया हूं अपनी नंगर डैम कलकत्ता की सब्जी आई थी। इन्होंने मेरे को कहा कि सारा वजन होगा सब्जी का, 30 भी नहीं आई है मेरी सब्जी, बुकिंग में आई है। कह रहा कोई नहीं, तुम्हारा अंडरवेट निकला, 5,000 जुर्माना पड़ेगा। मैं भाई मैं तो दूंगा नहीं जी एक जुर्माना, उसके बाद मेरे से तू मना करी उसने। कह रहा तो देना ही पड़ेगा तुम्हारे यहाँ पर। और मैं कपड़े इसके सब्जी के अलावा उनको किराया भी देता हूँ, उसके बाद 10 रुपये नग भी देता हूँ जी। उसके अलावा मेरे को और मांग करते हैं, वो भी पूरी कर देता हूँ उनकी मैं। उसके अलावा और मंथली भी मांगते हैं मेरे से, इस करके मैं देने में असमर्थ हूँ। इस करके मैं मेरे को मारा जी इन्होंने होली वाले दिन, मेरे को बुलाया इन्होंने, फिर मेरे से दारू के पैसे मांगे इन्होंने, उसके बाद मेरे यहाँ पर भी चोट लगी वहाँ पर जी। रिश्वत मांगते हैं जी मेरे से, ना देने पर क्या कहते हैं? फिर वो स्टेशन में घुसने नहीं देंगे, मेरा काम बंद कर देंगे। दूसरी तरफ बुकिंग क्लर्क ने सारे आरोपों को निराधार बताया है। पुलिस शिकायत के बाद पीड़ित के मेडिकल और सीसीटीवी को खंगालने के बाद FIR दर्ज करने की बात कह रही है। पीड़ित बुजुर्ग ने बताया कि उसकी सब्जी का पार्सल रेलवे से आता है, जिसको लेकर अक्सर वो रेलवे के कर्मचारियों को रिश्वत और शराब देता है। होली के दिन भी ऐसा ही हुआ, वो पार्सल लेने गया लेकिन उससे 5,000 रुपए रिश्वत मांगी गई, जिसको लेकर दोनों में बहस हो गई, जिसके बाद बुकिंग क्लर्क के साथियों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। मामले को लेकर रेलवे पार्सल डिपार्टमेंट के CPS का कहना है कि मामला उनके संज्ञान में आया है, इसे उच्च अधिकारियों के पास भेजा जाएगा। दूसरी तरफ जिस बुकिंग क्लर्क विजय भास्कर पर आरोप लगे हैं, उसने खुद पर लगे आरोपों को झूठा बताया है। नहीं अगर ऐसी शिकायत आएगी तो इसके मामले बिल्लू और उसके साथ 5-4 बंदे आए और इन्होंने शराब पी रखी थी। आते ही मित्र पहले गाली गलौज करने लगे और उसके बाद कहने लगे तू हमारा माल नहीं बुक करता, हमें तंग करता है, ये है और मुझे थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। उस बीच सारा स्टाफ वहीं खड़ा था, चाहे मेरे सारे स्टाफ से पूछ लिया जाए, इन्होंने मुझे मारा और उसके बाद ये बाहर की तरफ भाग लिए और इन्होंने इस तरह करा, मेरा कैश छीनने की कोशिश करी लेकिन मैं कैश को बचा कर अपना जमा कराया है। इनका रिश्वत का आरोप है कि इनका कहना है कि नग से ऊपर पैसे मांगते हैं, ऐसा हमारा ऐसा कोई आरोप नहीं है। हमारे किसी स्टाफ को कोई पैसा नहीं लेता, कोई कुछ नहीं है, ये तो बेबुनियाद लगा रहे हैं। क्योंकि अभी इन्होंने उस दिन दारू पी रखी, शराब के नशे में पूरे थे, अपने आप को बचने के लिए हमारे पे ऐसा झूठा आरोप लगा। हाँ, दिनांक जो है ना 2/3/18 को अशोक कुमार उर्फ बिल्लू ने विजय प्रभाकर जो क्लर्क हैं यहाँ रेलवे स्टेशन अम्बाला कैंट पर पार्सल बाबू हैं उनके खिलाफ जो है ना लड़ाई झगड़े की दरखास्त दी थी, जिस बारे में इनको कहा गया था कि अपना जो है ना एडवाइज एक्सरे वगैरह और मेडिकल रिपोर्ट भी लाकर पेश करें दरखास्त इनकी कार्रवाई करने के लिए। कुलदीप सिंह ASI को मार कर दी गई थी, वो इसकी जांच भी कर रहे हैं, लेकिन अभी अशोक कुमार बिल्लू ने अपनी जो मेडिकल रिपोर्ट है एडवाइज एक्सरे की अभी पेश नहीं करी है। जैसे ही लाकर पेश करेंगे जो भी जुर्म बनेगा उसके अनुसार कार्रवाई कर दी जाएगी।